जर्मनी से ये तोहफा लाए मोदी, रूस, स्पेन और फ्रांस से भी लाए तोहफा। चार देशों के 6 दिवसीय दौरे पर निकले पीएम मोदी का पहला पड़ाव था जर्मनी। जर्मनी में पीएम मोदी का पांव रखते ही जोरदार स्वागत हुआ और दोनों देशों के बीच कई आर्थिक और अन्य अहम समझौते हुए। दोनों देशों के बीच विकास योजनाओं में सहयोग के लिए 1 अरब यूरो का निवेश को लेकर करार हुआ है। इसके अलावा कई अहम और महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिसमें साइबर नीति, विकास योजनाएं, स्थायी शहरी विकास, क्लस्टर प्रबंधन का निरंतर व कौशल विकास, डिजिटलाइजेशन, रेलवे सुरक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्र शामिल। साथ ही जर्मनी ने NSG में भारतीय सदस्यता के दावे का समर्थन भी किया। भारत और जर्मनी दोनों ने आतंकवाद को बढ़ावा, समर्थन और वित्त पोषण करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का भी संकल्प व्यक्त किया है। इस मौके पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ व्यापार, कौशल विकास, साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे प्रमुख मसलों पर भी व्यापक स्तर से बातचीत की और कहा कि भारत और जर्मनी एक दूसरे के लिए ही बने। हमारे रिश्तों के विकास की गति तेज है, दिशा सकारात्मक है और मंजिल स्पष्ट है। भारत में बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क है, लेकिन उसका एक्सपांशन, उसका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, उसका मॉडर्नाइजेशन, रेलवे के स्टेशनों का आधुनिकीकरण, ये सारे विषय उसके साथ जुड़े हैं। जर्मनी ने उसमें काफी महारत हासिल की है, हमें उसका सहयोग मिल रहा है। भारत नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दे रहा है, ग्लोबल बेंचमार्क से हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे ले जाना चाहते हैं और उसमें उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो और हाईवेज हो, रेलवेज हो, एयरवेज हो, वाटरवेज हो और आज के युग के अनुसार आईवेज भी हो, इंफॉर्मेशन वेज भी हो, तो इन सारे विषयों पर हम मिलकर के काम करना चाहते हैं। स्मार्ट सिटी एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, उसी प्रकार से अमृत सिटी, हम 100 स्मार्ट सिटीज की ओर जाना चाहते हैं, 500 अमृत सिटीज जहां पर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, भारत में एक क्लीन इंडिया मूवमेंट चल रही है, उसके तहत हम काम करना चाहते हैं। वहीं जर्मन राष्ट्रपति मर्केल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय साझेदार साबित हुआ है और दोनों ही पक्ष सहयोग बढ़ाने में कामयाब रहे हैं।